नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार लोक सेवा आयोग ने प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर की बंपर भर्ती निकाली है, जिसके तहत ही लगभग 40,506 रिक्त पदों को भरने का काम होने वाला है, जिसके लिए ही आवेदन भरने की प्रक्रिया 28 मार्च 2022 से शुरू होगी। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 अप्रैल 2022 है। इसके तहत ही सामान्य वर्ग के तहत 16,204 पदों को भरा जाएगा। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4,048, एससी के लिए 6,477, एसटी के लिए 418, ईबीसी के लिए 7,290, बीसी के लिए 4,861 और बीसी महिला के लिए 1,210 पद आरक्षित है। वहीं दिव्यांग के लिए भी 4% सीट आरक्षित की गई है, जिसमें दृष्टि बाधित के लिए 421, मूक बधिर के लिए 410, अस्थि दिव्यांग के लिए 397 और मनोविकार बहु दिव्यांग के लिए 392 पद आरक्षित है। ये तो हो गई निकाली गई रिक्तियों की बात। अब सवाल ये है कि इन पदों के लिए आवेदन भरने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार सरकार पंचायती राज संस्थान और नगर निगम संस्थान के तहत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा अलग से तय नहीं की जाएगी, लेकिन अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1 अगस्त 2021 तक वार्धक्य सेवानिवृत्ति की उम्र जो 60 वर्ष तय है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अब आप भी ये जरूर सोच रहे होंगे कि इन पदों के लिए आवेदन भरने के लिए सामान्य वर्ग को कितना देना होगा। तो हम आपको बता दें कि सामान्य वर्ग को इन पदों के लिए 750 रूपए, बिहार के एससी और एसटी और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए 200 रूपए, फिर दिव्यांगों के लिए 200 रूपए निर्धारित किए गए हैं। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री, आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा डीएलएड, बीटी, बीएड, बीएएड, बीएससीएड, बीएनएड में पास होना चाहिए। ध्यान रहे, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न वाली होगी। इसमें सामान्य अध्ययन 75 अंक, डीएलएड विषय के 75 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी। परीक्षा 2 घंटे की होगी। वहीं परीक्षा से जुड़ी एक और अहम जानकारी की अगर हम बात करें तो लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 40%, बीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34% और एससी एसटी महिला और दिव्यांग के लिए 32% न्यूनतम अंक होना जरूरी है। इच्छुक उम्मीदवार bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।